तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहूँगा शॉर्ट आउट अपने सब्सक्राइबर ब्लैक पिंक के को। थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए दिल से। और गाइस अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो इसके लिए सिंपल सा काम क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको पहुंचेगी मेरी नई वीडियो उसकी अपडेट और साथ ही मुझे पहुंचेगी किस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। और साथ ही अगर मैं किसी कारण से आपको शॉर्ट आउट नहीं दे पाया अपनी वीडियोज में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दो, मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कैसे हैं दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो Q&A करने वाले हैं। क्योंकि गाइज मैंने कहा था कि मैंने Q&A करने वाला, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनकम से रिलेटेड थे। तो चलो गाइज वीडियो के पढ़ते हैं और ऐसा वैसा टाइम में फालतू मैं वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यार अब मेरे को Q&A स्टार्ट करनी है, मतलब Q&A स्टार्ट कर दिया है और आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा टेक से वीडियोज रिलेटेड डालनी है, अनबॉक्सिंग वीडियोज भी डालनी है, तो बाकी सारे बहुत सारे काम मेरे को करने होंगे अपने चैनल के लेकर। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ Q&A मतलब कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैंने कहा आपको। तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मैं उन्हें आज आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस पहला क्वेश्चन है टेक वर्ल्ड विद आशीष की तरफ से कि 1K होने के बाद आपकी फैमिलीज का क्या रिएक्शन था, मतलब फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था। पहली बात भाई, फैमिली वालों को यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है, फैमिली वालों को ये भी नहीं पता है 1K सब्सक्राइबर होने के बाद क्या होता है, मोनेटाइजेशन ये वगैरह करके पैसा उन्हें कुछ पता नहीं है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा भाई। तो यार अब देखो रिएक्शन तभी आएगा जब कुछ लोग मिलेंगे और बोलेंगे कि ये आपका बेटा है, ऐसा वैसा करके कुछ अगर लोग समझ रहे हो ना यार, तो उस समय कुछ रिएक्शन आने वाली है। बट अभी कुछ रिएक्शन नहीं क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्हें पता ही नहीं है, तो अब क्या ही बताएं यार। अब जब इनकम आएगी तब दिखाएंगे कि ये देखो पैसे वैसे आने लगे, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन उस समय भी आ सकता है, पर अभी कुछ रिएक्शन नहीं है जैसा बता रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है गाइज मेरा आयुष खुलबे की तरफ से कि भाई फेवरेट यूट्यूबर कौन है तुम्हारा। तो देखो यार ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, बट वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर इज टेक बर्नर, बहुत मेरे बहुत ज़्यादा पास है। अगर मैं किसी की सबसे ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ तो वो टेक बर्नर ही है भाई। उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ, मतलब इंस्पायर्ड बोले तो इंस्पायर्ड मतलब मैं 4-5 यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जिसमें कि पहला तुम्हारा टेक बर्नर आता है, टेक्निकल सागर और अनबॉक्स थेरेपी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब कुछ ही बहुत सारे हुए हैं यहाँ। तो मैं इंस्पिरेशन मेरा कोई एक बंदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ तो उन सभी से कुछ सीख मिल रही है, जैसे मनोज डे भैया और भी जैसे कि हमारे टेक्निकल सागर और भी बहुत सारे ऐसे टेक रिलेटेड जो कि वीडियोज़ बनाते हैं, तो उन सभी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वैसे बोलूँ तो अपना अलग ही अंदाज है भाई। तीसरा क्वेश्चन है टेक वर्ल्ड विद आशीष की तरफ से फिर से, क्योंकि इस बंदे ने पूछा है मेरे से कि आप पबजी खेलते हो, अगर आप पबजी नहीं खेलते हो तो आप कौन सा गेम खेलते हो। तो भाई मैं फिलहाल अभी कोई सी भी गेम नहीं खेलता क्योंकि यार देखो हाँ एक खेलता हूँ टॉकिंग टॉम फिलहाल, क्योंकि यार मेरे पास अभी पता है आपको कि 2GB रैम है, पबजी तो खेल सकते नहीं है ना। खेलता था पहले मैं, बट क्या होता था कि रेंटर आपको पता होगा कि जब एक घर में 4-5 बंदे मतलब कभी अगर आपके बंदे आ जाते हैं आसपास तो आपको थोड़ी बहुत लैगिंग इशू मिलती है, रेंटर बोलते हैं उसको। तो मेरे में रेंटर नहीं होता था, मेरे में फ्रीज होता था, मेरा मोबाइल ही फ्रीज हो जाता था और मतलब कुछ चलता ही नहीं था, और उसके कारण से मेरे दोस्त लोग मुझे नुबरे बोलते थे। तो मैंने कुछ समय आकर उससे इंस्टॉल मार दिया, उससे छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं खेलना ये गेम, ये फालतू की गेम है, तुम लोग प्रो हो भाई, तुम लोग के साथ मुझे खेलना भी नहीं, अब मैं नूब हूँ, मैं नूब के साथ खेलूंगा ओके। तो यार अभी फ्यूचर में अगर जब भी मैं पबजी खेलूंगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा, अपनी आईडी दे दूंगा आपको, आपके साथ खेलना है मेरे को, मैंने देखी आपकी गेमिंग चैनल डेमोस गेमिंग करके, खेलना है आपके साथ, अभी क्या प्रॉब्लम है, चलिए। चौथा क्वेश्चन है किलर एक्स की तरफ से कि मोनेटाइज होने के बाद मतलब इनेबल होने के बाद आपको कितना इनकम आ चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K। थैंक यू सो मच यार 1K कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, थैंक यू सो मच किलर एक्स सत्यम। और साथ ही मैं अपनी सैलरी दिखाना चाहूँगा, मतलब इनकम दिखाना चाहूँगा कितनी आ चुकी है मेरे को अभी तक मोनेटाइज इनेबल के होने के बाद से। ये मेरे को यूट्यूब ने भेजा है, फिलहाल देख सकते हो ये यूट्यूब की तरफ से ही आए हैं मेरे को, इसमें मेरे को कुछ पैसे मिले थे यूट्यूब की तरफ से तो मैं दिखाना चाहूँगा। लगता है ये भी यूट्यूब की तरफ बेवफा हो गया है, आना ही नहीं चाह रहा। ये गाइज आ चुका हमारा इनकम, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो ये मेरी इनकम रिवील हो चुकी है गाइज, देख सकते हो ये भी गाइज फटा हुआ, क्या ही बोले यार यूट्यूब को। तो देखो गाइज 20 रुपये दिए मेरे को यूट्यूब ने, वैसे तो इससे कम ही आए थे, मैंने इसे बढ़ा के खुद से इनकम डेवलप कर दी इसमें मेरे को, इसे मुझे बॉर्नविटा पियाना पड़ा इसे बढ़ा करने के लिए, पहले ये 5 रुपये का था फिर मैं इसे बॉर्नविटा पे आया, फिर ये 10 हुआ फिर बॉर्नविटा पे आया, तो ये भी 20 चल रहा है। तो भी अगर गाइस मैं बात करूँ रियलिटी में मेरे को कितने ज़्यादा इनकम आए हैं, मतलब कि यूट्यूब से कितना मेरे को अर्निंग हो रही है, तो मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे को अभी ऐसा है नहीं कि भाई 1K हो ये सब्सक्राइबर मेरी, वो भी 1K सब्सक्राइबर ही, और मैं इनकम की चाह रख रहा हूँ
ये बहुत बड़ी बात है, और साथ ही मुझे इनकम आ भी रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखो यार, उस हिसाब से जब मेरी पहली इनकम आई थी कुछ 18 रुपये करके आई थी, देखो सच ही बोलूँगा पहला दिन का मेरे को 18 रुपये आए थे, और अभी बढ़ रही है, तो अभी बढ़ के बहुत 200+ जा रही है। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, देखो यार अभी पहले 18 रुपये आए, फिर मेरे को ऐसे वैसे करके बड़ी जा रही है पैसे मेरे। मुझे कोई यूट्यूब से शिकायत नहीं है, तो मैं यूट्यूब को क्या ही बोलूँ यार, थैंक यू सो मच। अब यूट्यूब पे मैं अगर नहीं आता तो मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता, तो इन बातों का कुछ लेना देना नहीं है। इनकम जब मेरी आ जाएगी, अब जितनी भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो सब यूट्यूबर बनाते हैं, मैं भी बना दूंगा, तो क्या ही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन गाइज हमारा है डीजी अजय विक्की की तरफ से, कि मोनेटाइज इनेबल करने में कितना ज़्यादा समय लगा, कितने ज़्यादा समय लगे तुमको, तुम्हारे चैनल जब रिव्यू में गई थी तो कितने ज़्यादा समय लगे वापस से चैनल को आने में। तो देखो आपको कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, आपको कहा जाता है कि आपको 1 मंथ के अंदर में आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल कर दी जाएगी, या फिर 1 मंथ से थोड़ी ज़्यादा ली जाएगी। बट यार मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे मात्र 10 दिन में ही मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई। क्योंकि देखो अगर आपकी चैनल बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगी, बट अगर आपकी चैनल में थोड़ी बहुत आपको लग रही कुछ दिक्कत है तो भाई आपको थोड़ी बहुत दिक्कत लग सकती है। बट अगर आप बात करें मेरी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कम समय में हो गए, 10 दिन में मेरे हो गए। मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ इस बात से, बहुत खुश हूँ यार इतने कम समय में हो गए मेरे। छठवां क्वेश्चन है टेक्निकल टिप्स आशीष की तरफ से, व्हाट वाज योर बेस्ट मोमेंट ऑन यूट्यूब, व्हाट वाज द रीजन। मतलब कि अब देखो पता है, देखो यार अब क्या हुआ कि मेरी सबसे ज़्यादा बेहतरीन मोमेंट कौन है यूट्यूब की, और कब मेरे को मतलब इसका रीज़न क्या है। देखो यार पहली बात ना, कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, 100 जब मेरे को यूट्यूब से पहला नोटिफिकेशन आया था कि आपकी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकी है, उस समय कुछ संतुष्टि मिली थी कि हाँ भाई चल कुछ काम हो रहा है। क्योंकि यार मैंने जैसा कहा कि मेरे चैनल बहुत ज़्यादा लेट बाद बहुत ज़्यादा दिन लगे थे मेरे को 100 सब्सक्राइबर गेन करने में। यार मेहनत किसे कहते हैं मुझसे पूछो, 100 सब्सक्राइबर गेन करने मेरे को 4 से 5 महीनों का समय लग गया था। मैं इतना मतलब पेशेंस रखा था उसमें, पूछो ही मत यार, अगर कोई और होता तो छोड़ देता, बट मैंने 5 से 6 मंथ में 100 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली थी 100 सब्सक्राइबर में ही। सो तक उस वक्त का ना मूवमेंट ही कुछ अलग ही था, मेरे को ना कुछ अलग ही फील हो रहा था कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, मेरे कुछ हो रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है आनंद कुमार की तरफ से, कितना आ गया यूट्यूब से, या क्या आ गया भाई, क्या आ गया यूट्यूब से मेरे को। आठवां क्वेश्चन है अमन कुमार की तरफ से, कि भाई लोगो कहाँ से बनाते हो। तो यार मैंने जैसा कि अभी तक मैं बता रहा हूँ यार, बता बता के थक चुका हूँ बोलो, तो यार मैं बता रहा हूँ कि कैनवा से लोगो बनाता हूँ मैं, कैनवा बोलो या फिर कैनवा बोलो आपकी मर्जी है, मैं कैनवा से ही लोगो बनाता हूँ। और बहुत सारा मैं मतलब थंबनेल भी वहीं से बनाता हूँ, चैनल आर्ट भी वहीं से बनाता हूँ, बाकी सब कुछ भी मैं वहीं से करता हूँ, इसलिए शायद से। तो यार कैनवा अभी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली वेबसाइट है। वैसे कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो तो है नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ना ऐसा बोलते हैं कैनवा बहुत सही है, कैनवा से बहुत सही है, मैं भी बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद अब उस पर ट्राई कर चुका हूँ, मैं खुद उस पर काम करता हूँ, तो इसलिए कैनवा ट्राई करो, बहुत अच्छी सही रहेगी आपके लिए भी। गाइस आखिरी क्वेश्चन है मोनू गुर्जार भड़ाना की तरफ से, कि आपका घर कहाँ है। देखो यार मैं बताना तो नहीं चाहता, पर देखो यार बिहार में पूर्णिया है, आपको पता होगा तो वही रहता हूँ, सिंपल सी बात है। अब पूर्णिया में मैं अपना एड्रेस पिन कोड सब दे दूँ क्या, है कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ रहती है ना भाई ये, तो इसलिए भाई बिहार में रहता हूँ, पूर्णिया में रहता हूँ, और उसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। तो कभी मिलना होगा तो पूछ लेना भाई, हम तो मिलने के लिए तैयार हैं यार, हम तो फ्री हैं आपके लिए। और गाइस अगर आपको कुछ अलग से कंटेंट चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए कुछ फोन रिव्यू, कुछ ऐसी स्पेसिफिक फोन पे आपको रिव्यू चाहिए, फिर उसकी कुछ चाहिए डिटेल्स वगैरह, तो मेरे को कमेंट बता सकते हो, मैं उसकी भी वीडियोस ज़रूर से डालूंगा, ज़रूर से अपलोड करूंगा, या फिर किसी भी चीज़ की वीडियो आपके ऊपर, जैसे टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं वीडियो जरूर से बना दूंगा। तो क्या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस गाइस। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। Swole, swole.